राजीव बंसल हासी की आवाज थी। नारियल तोड़ कर महूर्त किया जा रहा है और पानियों की गड़गड़ाहट के साथ इस तीनों वार्ड की बदहाली को दूर करने का यह संकल्प लिया है निर्मला सीतारमण जी। हम जानते हैं साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता है ये देखिए नारियल तोड़ के एक इसका उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है इस माले का। आशीन नगर परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर परिषद चेयरमैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर परिषद चेयरमैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले आपसे ही जानते हैं कि आप कभी मुर्दाबाद करते हैं जिंदाबाद करते हैं ऐसा? सर मेरे वार्ड में ये लगा लो 3 साल से बड़ी बहुत भारी समस्या थी, पूरा नाले का पानी रोड पे आ करता था। तो कई दिन से परेशान थे, चेयरमैन साहब को बताया जी ये समस्या वार्ड के अंदर। कई दिन तो चलो रहा सिस्टम जो भी रहा नहीं मतलब हुआ, लेकिन अब चेयरमैन साहब तुरंत प्रभाव से इसमें 3 करोड़ 4 करोड़ के लगभग 5 करोड़ के लगभग उससे आज ये कार्य शुरू करवा दिया है, जिसे 4 वार्ड और 6 वार्ड और 2 वार्ड की समस्या का लगभग समाधान हो जाएगा इस नाले की समस्या का, और बाकी लगभग हमारा काम लगभग हो चुका है जी वार्ड का। निर्मला सैनी जी चेयरमैन है, आप अच्छा बोलती हैं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं विनोद जी आपको बोलने के लिए बहने बनाकर रखते हैं। तो आइए आप बताइए कि आपने ये मुहूर्त किया है इसमें 3 वार्ड आज इस थे, 3 वार्ड के क्षेत्र के लोग पूरी तरह से त्रस्त थे, आज इसका उद्घाटन ये सब करिए सीएम अनाउंसमेंट के जो 5 करोड़ की लागत है उससे हो रही है। सीएम साहब ने कहा है कि आप लोग विकास करवाओ, ग्राम की कोई कमी नहीं आएगी हमारी तरफ से, आप जितना विकास करोगे हम आपके साथ। धन्यवाद। मेरे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश ठकराल जी का दिल धड़कता है हासी के विकास के लिए, बराबर ये परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं नगर परिषद चेयरमैन के साथ कदम से कदम मिलाकर, और सीएम साहब से ग्रांट लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। राजेश जी आज आपने कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है नारियल तोड़, कितने नारियलों को आपने धराशायी किया है आप बताइए? आज लगभग 7 काम है और 30 करोड़ के लगभग। मैं समझता हूँ कि इससे हासी विकास की रफ्तार को और पकड़ेगा, बहुत से काम और भी कल हमने करवाए हैं जो जल्दी आ जाएंगे, वो भी पाइपलाइन में है। जितना पैसा जितना विकास इस सरकार में हुआ है, मैं सरकार का और नगर परिषद का दोनों का धन्यवाद करता हूँ, पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ जो समय समय पर अपनी डिमांड उठाते हैं, और प्रधान भी पूरा अपना सहयोग दे करके हमारे साथ चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा इस सरकार में आया, सबसे ज़्यादा विकास इस सरकार में हुआ, सभी साथी दिल जान से दिन रात लगे हुए हैं, और पूरे अधिकारी भी आप देखते हैं तीनों यहीं पे जेई भी खड़े हैं, जैसे एक्शन साहब भी मीटिंग में है, डीओ मीटिंग में है एसडीएम साहब के साथ, तो सभी अधिकारी भी लगे हुए हैं, पूरे पार्षद लगे हुए हैं, प्रधान लगे हुए हैं, बहुत से काम हमने इस सरकार में किए हैं। ऐसा यहाँ कोई विधायक नहीं था, कोई मंत्री नहीं था, फिर भी जितने पैसे जितनी ग्रांट हमें मिली उस सब के लिए मैं सरकार का मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया। प्रतिनिधि रिंकू सैनी जी के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है जी, आप ग्रांट लाते हैं जो लगवाते हैं जी है, और आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाली है, तो और कितने काम हैं वो जल्दी जल्दी आप करवाएंगे? हमारी नगर परिषद में हासी में राजेश ठकराल जी और मुख्यमंत्री के जो आशीर्वाद से जो हासी में काम हुआ है, ऐसा की बार इतिहास रच दिया है कि जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं वो काम भी हम जल्द शुरू करवा देंगे, प्रोसेस में काम है वो भी हो जाएंगे, सारे सारे काम हो जाएंगे। हासी की जनता को मद्देनजर रखते हुए जो जनहित के काम है उसमें हमारे नगर परिषद की हमेशा रुचि रही है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास तो मुख्यमंत्री जी का नारा है, वो वाकई आम जनता के लिए सुखदायक और खुशहाल हुआ है। विनोद सैनी जी जो हमारी निर्मला सैनी जी जो वर्दी चेयरमैन हैं उनके प्रतिनिधि हैं, और बहुत महिला सशक्तिकरण की एक जीती जाती उदाहरण है, धूप में खड़ी है। विनोद सैनी जी आपने यानी पूरे शहर के अंदर अब जो आचार संहिता लगने से पहले अब लगने वाली है उससे कितने प्रोजेक्ट आप पूरे करवाने जा रहे हैं? हमारे ये 25 से 30 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जो हम ये शुरू करवा रहे हैं, जल्दी से जल्दी शुरू करवा देंगे। 4 सिक्का लगने से पहले सभी कार्य हम शुरू करवा रहे हैं, और इन सभी कार्यों का हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से हमें ये पैसे मिले हैं सीएम अनाउंसमेंट में, और इनको लाने में हमारे भाई साहब राजेश भाई ठकराल साहब ने बहुत मेहनत करी है, बार बार चंडीगढ़ गए हैं तभी ये काम सफल हो। ये समस्याएं बड़ी 3 साल से बड़ी गंभीर समस्या थी इस रोड की और नाले की, यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, कचरा रहता है। हरिराम भाई ने भी हमारे को बार बार अवगत कराया इस चीज़ से, और अजय भाई ने भी कराया, और 3 वार्ड के मंत्री ने भी कराया, और
6 वार्ड के बलवान ने भी करवाया। इन सब की समस्या को देखते हुए, पब्लिक की उसको समस्याओं को देखते हुए, ये सिला चुनाव में मिलेगी आप राजेश अग्रवाल जी को मिलेगा क्या? हाँ, इसका सहरिये मिलेगा। हम भाई के साथ हैं, लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। नगर परिषद की पूरी टीम भाई के साथ लगी हुई है। मैं जानना चाहूँगा, टेक्निकल ऑफिसर है जेई साहब, आइए आइए आइए, ये नाला जो जो बनने जा रहा है इसका ढलान किधर होगा और ये कितने इंच का पाइप यहाँ आप इसके अंदर 24 इंच पाइप होगा और ये आगे काली देवी रोड पर चला जाएगा, आगे वहाँ पर उसमें डाला जाएगा। अजय जी बताइए कि आप उससे लगता है कि लगभग समाधान हो जाएगा इसका। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, यहाँ मेरे वार्ड में बनाए मेरे सभी पांचों भाइयों का, चेयरमैन साहब का और राजेश अग्रवाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस कार्य की शुरुआत करवाई है और मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि जल्दी जल्दी हमारे कार्य जल्दी पूरा होगा। ये कितने दिन में ये प्रोजेक्ट यानी ये था आज के उद्घाटन का उद्घाटन। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 6 की विद्युत सीमा पर, जो गंदे नाले की वजह से तीनों क्षेत्र के वासी बुरी तरह से आजिश थे। आज उसका जिन्होंने उद्धार करने का बीड़ा उठाया है, चेयरमैन स्वयं यहाँ आई है। 4 के वासियों ने यहाँ कुछ प्रदर्शन किया था या क्या उसका इम्पैक्ट है या आपके अंदर से ही कुछ ऐसा ज़्यादा? नहीं बंसल जी, हमने ना ये इनके कागज़ भेजे हुए थे। अच्छा। और वहाँ पर जैसे कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है तो उसको दूर करने में टाइम लग जाता है, तो वो थोड़ा टाइम लग गया, उसकी वजह से थोड़ी सी देरी होगी। तो अजय भाई को हमने फिर वो अवगत करा दिया था, इनको इस बारे में पता नहीं था कि वो वहाँ से पास हुआ या नहीं हुआ, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जब तक रोए ना माँ दूध नहीं पिला? ना ऐसी नहीं है, इनको पता चल गया था फिर बात का, बात पता चलने के बाद में फिर इन्होंने कह दिया ठीक है प्रधान जी, इनकी सफाई कराओ और काम शुरू कर देना। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह अगर विकास कार्य होते रहे तो क्षेत्रवासी भी सुखद महसूस करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे और महामारी नहीं फैलेगी। धन्यवाद। ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार।